नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की थाना मझोला एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मझोला थाना क्षेत्र के एमडीए कॉलोनी आजाद नगर में रहने वाले डॉक्टर जैनुल आबिदीन ने 18 फरवरी को मझोला थाने में शिकायत दर्ज की थी कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में मझोला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार डॉक्टर जैनुल आबिदीन के साथ धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को थाना मझोला एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने धर दबोचा। अंतर जनपदीय धोखाधड़ी करने वाला शातिर आरोपी है। जनपद कानपुर के न्यू पीएससी लाइन 37वीं बटालियन के पास तुलसी नगर का रहने वाला अनुराग चतुर्वेदी पुत्र विनोद कुमार चतुर्वेदी है। पकड़े गए आरोपी अनुराग चतुर्वेदी ने पुलिस को बताया कि उसके द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके जनपद गोरखपुर, गोंडा, बरेली, संत कबीर नगर, मुरादाबाद, बदायूं आदि जनपदों में लोगों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की रकम हड़प ली गई है तथा लगातार पुलिस से बचते हुए वह फरार चल रहा था। हड़पी गई रकम के बारे में उसने पुलिस को बताया कि अलग अलग जगह पर उस रकम को उसने खर्च कर दिया है। देखिए, थाना मझौला पर एक व्यक्ति डॉक्टर जैनुल के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था कि 4 लोगों के द्वारा उनसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के नाम पे तकरीबन 47 लाख रुपए ठग लिए गए थे और शुरुआत में पैसे देने के बाद उसके बाद कॉन्टैक्ट तोड़ दिया और धमकी दे रहे थे, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए हमारी साइबर टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। हमारी साइबर क्राइम की टीम, सर्विलांस की टीम और थाना मझौला की टीम ने इस पूरे घटनाक्रम को वर्कआउट करते हुए इस अंतर जनपदीय जो धोखाधड़ी करने वाले गिरोह हैं, जिसमें तकरीबन 5 लोग हैं, उसके मुख्य सदस्य को आज हमें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। टेक्निकल डेटा एनालिसिस के आधार पर अभियुक्त की लोकेशन की स्थिति जो है जौनपुर में पाई गई, जहां हमारी पूरी टीम ने जाकर उसे गिरफ्तार किया है। उससे कुछ पूछताछ हुई है और डिटेल पूछताछ के लिए माननीय न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी और टेक्निकल डेटा के आधार पर इसकी पूरी छानबीन की जाएगी। अभियुक्त ने संक्षेप में अपने घटना को इकबाल करते हुए ये बताया कि कई सारी कंपनियों के नाम पर ये विभिन्न विभिन्न जनपदों में वेयर हाउस या बिजनेस के नाम पर लोगों को फंसाते थे, उनसे पैसा लेकर डॉक्यूमेंट देते थे ताकि लोगों को विश्वास हो और फिर पैसा हड़प कर दूसरे जनपद में चले जाते थे। अभियुक्त और इनके सदस्यों के ऊपर जनपद बरेली में, जनपद कानपुर में, जनपद गोरखपुर में और अन्य जनपदों में भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। अभी कुल 7 मुकदमों के बारे में जानकारी हुई है। हमारी टीम शेष अन्य जिलों में भी पूछताछ कर रही है और ये पूरे गिरोह के तौर पर अभी जौनपुर में नए बिजनेस को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, जहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। सर, ये जो कंपनी है, ये क्या कंपनी का वो है जिससे यहाँ चीट किया है, मतलब आपने जो कंप्लेन लॉज? देखिए, मुरादाबाद में जो कंप्लेन लॉज किया गया था उसमें स्वच्छ भारत के नाम से एक कंपनी का बिजनेस करने का ऑफर डॉक्टर जैनुल को दिया गया और जिसमें रिटर्न भी शुरुआत में दिए गए। रिटर्न देने के उपरांत जब उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके बाद उस सभी पैसों को धोखाधड़ी करके गबन करके भाग गए और फिर इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो एक जनपद में वहीं का एड्रेस लेकर, वहीं की आईडी लेकर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लेकर सारा काम करते हैं और जब वहां पे बहुत सारे लोगों से ठगी करते हैं तो दूसरे जनपद की तरफ वो चले जाते हैं और इस कारण से इसे पकड़ना, आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल था। हमारी सर्विलांस टीम और साइबर क्राइम की टीम ने बहुत मेहनत करके, टेक्निकल डेटा एनालिसिस करके अच्छा आइडेंटिफिकेशन और वर्कआउट किया है। मेरी तरफ से पूरी टीम को इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।